शिव का दर्शन प्रातः काल दोपहर के पहले करना ज्यादा शुभ माना गया है। कोई शिव दर्शन का किसी का नियम हो तो उसको दोपहर के पहले मंदिर में अगर आप जाते हैं दर्शन करने, प्रयास करो दोपहर के पहले शिव मंदिर जाओ, ज्यादा फायदा है, ज्यादा फल मिलता है, ज्यादा पुण्य बनता है। प्रदोष चतुर्दशी की पूजा रात में करने से ज्यादा लाभ मिलता है, पर सामान्य दिनों में शिव का दर्शन प्रातः काल करने से ज्यादा लाभ मिलता है महाराज। इसलिए जल्दी नहा धो के ठंडे गर्म पानी जो जैसे नहाते हो, और हाथ में लो जल, एक लोटा जल और तीन दल, काय के बिलपत्र के ये तीन दल महाराज, ये तीन दल त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिव अर्पणम। ये इतना सा महाराज बस, नहीं तो कन्हैया के यहां जाओ तो डिमांड डल गई है, मक्खन भी ले आओ न मिश्री भी ले आओ, नहीं जाने क्या क्या मांगे महाराज कन्हैया। राम जी भी कह रहे हम इतने सस्ते नहीं है, इधर भी आओ तो थोड़ा भात और दही तो लेके आओ ही सही महाराज। कन्हैया कोई मक्खन मिश्री प्यारी लगती है, राम जी को दही भात प्यारा लगता है। भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, राम जी को भोग लगाना तो उसमें दो चीजें जरूर रखना, दही भात। कन्हैया को भोग लगाना तो उसमें मक्खन मिश्री जरूर रखना। हनुमान जी तो थोड़े सस्ते हैं, हनुमान जी को ज्यादा महंगी चीजें नहीं चाहिए, चना चिरौंजी में खुश हो जाते महाराज। चना चिरौंजी माँ के मंदिर में अगर माँ को प्रसन्न करना तो कुछ भी लाना, पर नारियल जरूर लाना, उससे मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। धूप दीप नैवेद्य नारियल। पर शंकर जी सबसे ही सस्ते हैं, द चीपेस्ट डिवाइन गॉड लॉर्ड शिवा, चीपेस्ट सबसे सस्ते महाराज। अब जल भल्ले घर में से कोई वहां खरीद के थोड़े ही लाना बिस्लरी शंकर जी के लिए, शंकर जी को बिस्लरी खरीद के थोड़े ही लाना महाराज, घर में से भरो तांबे के लोटा में जल, और ये एक बिलपत्र ले लो याधारी में, एक बिलपत्र ले लो महाराज। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, कितने तीर्थ हैं तीनों लोकों में, जितने पवित्र क्षेत्र हैं वो सारे के सारे बिल्व पत्र में बसते, बिल्व के वृक्ष में बसते हैं, बेल के वृक्ष में सारे तीनों लोकों के तीर्थ बसते हैं महाराज। इसीलिए बिल्व पत्र का, बिल्व वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए, और अलग से पत्ता कहीं और से लाने की जरूरत नहीं, बेल के वृक्ष के ही पत्ते तोड़ो और बाकी पूजन सामग्री के साथ बेल के पेड़ की पूजा उसी से कर दो महाराज। आपने अगर बिल्व वृक्ष की पूजा कर दी है तो आपने तीनों लोकों में जितने देव स्थान हैं, पुण्य तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सब का पूजन का लाभ आपको वहीं मिल जाएगा महाराज, वहीं पर मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो बिल्व वृक्ष के नीचे अपने सिर को भी गीला कर लेता है उसको त्रिलोकी की जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं, समंदर हैं, सब में नहाने का जो फल है वो मात्र बेल के पेड़ के नीचे सिर को गीला करने से प्राप्त हो जाता है महाराज। कहाँ भगते फिरोगे, जब मन हो कि इतने तीर्थों में नहाना है, बेल के पेड़ के नीचे जाओ, एक लोटा पानी, पूरे शरीर की भी नहीं लिखी, एक ही सिर गीला कर लो महाराज। सिर के बाल आपने गीले कर लिए अगर बेल के पेड़ के नीचे, त्रिलोकी के तीर्थों में नहाने का लाभ पुण्य आपको वही मिल जाएगा महाराज।
बेल के वृक्ष की आपने पूजा बिल्व पत्र से ही कर दी, त्रिलोकी के देवी देवताओं के पूजन का जो फल है वो आपको वही मिल जाएगा। बिल्व के पेड़ के बेल के पेड़ के नीचे एक भगवान शिव के भक्त को, शिव के प्रेमी को अगर आपने भोजन करा दिया महाराज, हजारों हजारों भंडारे करने का फल आपको उसी से मिल जाएगा।